व्हाट्सएप ने यह स्वीकार करते हुए कि उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हुई और इसीलिए व्हाट्सएप ने शनिवार को घोषणा कर दी कि वो 15 मई तक अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा। यानी अब आपके पास करीबन 4 महीने और भी हैं जिस दौरान आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पुलकेश और आप देख रहे हैं PR वेब मैट्रिक्स। एक्चुअली जब से व्हाट्सएप ने जनवरी की शुरुआत में नई प्राइवेसी पॉलिसी की अनाउंसमेंट की थी, तब से इस बात को लेकर कई तरह की खबरें होने लगी कि अब से व्हाट्सएप आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, आपके पर्सनल चैट मैसेजेस, यहाँ तक कि आपके लोकेशन जैसी और भी पर्सनल और बेहद सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को भी अपनी पेरेंट कंपनी यानी कि फेसबुक के साथ शेयर करने वाली है, जिसकी वजह से अब आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पर प्राइवेट नहीं रहने वाली। हालांकि व्हाट्सएप ने इन खबरों को पूरी तरह से इग्नोर करने के लिए कह दिया है और पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि किसी की भी कोई भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन किसी के साथ कभी भी किसी भी रूप में शेयर नहीं की जाएगी। मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, इंटरनेट पर आज कुछ भी प्राइवेट नहीं है। आपने सुना ही होगा कि कैसे फोन पे के यूजर्स के पास फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि आपके बैंक के अकाउंट में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर भी फ्रॉड कॉल्स आने लगे हैं, जिसका सीधा साधा एक यही मतलब है कि आपके इन्फॉर्मेशन कितनी आसानी से थर्ड पार्टीज के साथ शेयर हो रही है या फिर शायद हो चुकी है। किसी को एक्चुअली में नहीं पता कि किसके कौन सा इन्फॉर्मेशन किसके साथ और कितने लोगों के साथ शेयर हुआ है, इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि किसी के भी बात पर यकीन ना करके अच्छे से प्राइवेसी पॉलिसी को स्टडी कीजिए। चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि अब व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी पॉलिसी को एग्री करने की तारीख को 8 फरवरी से एक्सटेंड करके 15 मई तक कर दिया है। अब देखिए, जाहिर से बात है कि व्हाट्सएप नहीं चाहेगा कि उसके 34 करोड़ से भी ज्यादा इंडियन यूजर्स उसे छोड़कर किसी और प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो जाएं। तो आप अच्छे से इस पॉइंट पर विचार कर लें और मैं लगातार आपके सामने आता रहूंगा अगर व्हाट्सएप किसी भी तरह की कोई अपडेट को अनाउंस करता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको प्लीज आप इसको शेयर कीजिएगा, ताकि व्हाट्सएप को लेकर किसी के मन में अभी भी अगर कोई गलतफहमी है तो वो दूर हो सके। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज PR वेब मैट्रिक्स को जरूर लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल PR वेब मैट्रिक्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे सभी अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।